नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएसई मतलब आईएएस एग्ज़ाम के सब डिटेल्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है यूथ में। हर कोई चाहता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने। किसी भी आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर की फ़ोटो देखने के बाद उन्हें भी लगता है कि वो भी सिविल सर्विसेज में जाए और देश के लिए कुछ करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके लिए प्रोसीजर क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, कब से स्टार्ट करना पड़ता है और एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इस आर्टिकल में आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यूपीएससी बोले तो सबको सिर्फ आईएएस, आईपीएस और आईआरएस दिखता है। यूपीएससी इन तीनों से भी बहुत बड़ी है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, ऑडिट, रेवेन्यू, डिफेंस रेवेन्यू सर्विसेज, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री सर्विस, पोस्टल सर्विस या फिर ग्रुप बी सर्विसेज भी इसमें आती है। तो इसको एक लिमिटेशन में मत देखना। यूपीएससी सीएससी की रफली 800 से 950 तक वैकेंसी आती है और आने वाले टाइम में ये वैकेंसी और कम भी हो सकती है। स्टार्टिंग में ये वैकेंसी 1000 के आसपास थी। अभी हम देखेंगे एज लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन है वो है 21। जनरल कैंडिडेट जो होता है उसके लिए मैक्सिमम एज 32। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 35। एससी एसटी के लिए 37। एक सर्विसमैन के लिए 37। हैंडीकैप पर्सन के लिए 42। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उसके लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स लेकिन 37 एज तक। ओके, तो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, हर किसी के पास एक एम्पल टाइम है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री, आपको कौन सी डिग्री चाहिए ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कौन सी भी डिग्री चल सकती है, आप बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंजीनियर रहेंगे वो 22 ईयर में ये एग्ज़ाम कर सकते हैं क्योंकि उनकी डिग्री के लिए 4 ईयर्स लगते हैं। आप डिग्री अपीयर हो अगर लास्ट ईयर में तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो। इस पूरे एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू देखेंगे। ये एक 1 ईयर लॉन्ग प्रोसेस है। फेब्रुवरी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन आएगा, जून में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद 4 मंथ्स के बाद दिसंबर में मेंस एग्जामिनेशन, फिर फेब्रुवरी में रफली इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा और उसके 2 महीने बाद या फिर तुरंत भी मई में रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं होता कि वो फाइनल रिकमेंड हो गए या नहीं, इसके वजह से उनको अगले जून में एक नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना होता है। सो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है और कुछ अच्छा पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज नॉट टाइप, द पेपर इज जनरल स्टडीज एंड द सेकेंड पेपर इज ऑफ सीसैट। ओके, तो ईच पेपर 200 मार्क्स का होता है। उसमें सीसैट पेपर प्योरली क्वालिफाइंग होता है और जनरल स्टडीज पेपर स्कोरिंग होता है। सीसैट पेपर में आपको सिर्फ 33.33% मार्क्स लाने हैं तो आप क्वालिफाई होंगे और जो आपका मेरिट होगा वो प्योरली आपके जनरल स्टडीज़ के स्कोर के ऊपर डिपेंड होगा। इस जीएस पेपर का जो स्कोर होता है वो रफली 130 प्लस के आसपास होता है, मतलब आपको रफली 70 अगर करेक्ट होंगे तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एक ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है तो बिल्कुल भी इसको कैजुअली मत लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। और मिनिमम 70 to 75 करेक्ट अटेम्प्ट आपको करना है अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी है तो। अब एक ध्यान देंगे सिलेबस के ऊपर, जीएस और सीसैट के ऊपर, तो ये आप पॉज करके ठीक से पढ़ लेना। जनरल स्टडीज़ में सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब जो जनरल स्टडीज़ के पेपर है मेंस में भी उनका ही ये पोर्शन है। और सीसैट में आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स 10th लेवल का ये सब होगा। पॉज करके एक बार देख लेना, मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
स्टेज टू जो कि मेंस एग्जामिनेशन और जिसको सोल कहा जाता है इस एग्जामिनेशन का, तो उसके बारे में यहाँ आप शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कंपलसरी पेपर है, एक एसे जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल। ओके, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कंपलसरी पेपर से इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके बाकी के पेपर चेक भी नहीं होंगे। तो इनमें आपको 25% मिनिमम मार्क्स लाना होगा जो कि आपके क्वालिफाइंग पेपर से। इसके बारे में आगे एक डिटेल में बताऊंगा। जीएस पेपर में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, जो पेपर वन होता है मैंने बताया क्वालिफाइंग, उसमें कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हो, बी में कंपलसरी इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है दोनों पेपर। फिर जीएस वन में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। फिर जीएस टू में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस थ्री में होगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी के रिलेटेड सब पोर्शन इसमें आएगा, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट। जीएस फोर में होगा इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ऑप्शनल पेपर होंगे, आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना, एक ऑप्शनल है और उसके दो पेपर। लोगों को लगता है कि ऑप्शन पेपर वन और पेपर टू मतलब दो ऑप्शन ऑप्शनल है क्या, नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है उसके दो पेपर। अब मार्किंग स्कीम, पेपर ए एंड बी जो क्वालिफाइंग है वो 300 मार्क्स के होते हैं और बाकी सब पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। ये वीडियो भी पॉज करके आप ठीक से देख लेना। इन रिटर्न एग्जाम मतलब मेंस का जो टोटल होगा स्कोर वो होगा अराउंड, यहाँ पर देख सकते हो 1750, यस इट्स करेक्ट। और इंटरव्यू का मतलब थर्ड स्टेज का होगा 275 और आपका टोटल मेरिट आएगा 2025 मार्क्स के आउट ऑफ। हम टॉपर्स के मार्क्स भी देखेंगे अगले स्लाइड में। और जो थर्ड स्टेज होती है पर्सनल टेस्ट होती है जो कि 275 मार्क्स की जाती है। ये पर्सनल टेस्ट मतलब आपका जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसमें टेस्ट होती है और जो आपको इसका प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड करना है। इस पर्सनल टेस्ट के जो मार्क्स होते 275 वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाले हैं आपके मेंस के मार्क्स के साथ। सो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है। और ये रेड में जो दिया है मैंने कि प्रीलिम्स के मार्क्स है वो सिर्फ मेंस लिखने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका कभी भी आगे यूज नहीं होगा। ये जो पाई चार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो मेंस का जो कंट्रीब्यूशन है इस एग्जामिनेशन में वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ मेंस में ही बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो ये एग्ज़ाम में आपका कोई भी रैंक आ सकता है। तो मेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्रीवियस ईयर जो टॉपर है उनके बारे में अभी हम देखेंगे कि उनका कितना स्कोर आया था। तो सबसे पहले 2016 के जो टॉपर है नंदिनी के आर, तो उनके मार्क्स थे अराउंड 1120 आउट ऑफ 2025। ओके, फिर 2015 टॉपर टीना दाबी, ये आपको सभी को पता ही होंगे, तो उनके मार्क्स भी अराउंड 1063 जो कि 2025 के आउट ऑफ है। इसमें मेंस के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स दोनों इंक्लूड किए गए हैं। फिर 2014 टॉपर इरा सिंगल, इन्होंने पहले IRS से भी पोस्ट निकाली थी, इनके मार्क्स भी अराउंड 1082 अपॉन 2025। तो आपने एक जनरल ट्रेंड देखा होगा कि अगर 52-55% अगर मार्क्स है तो आप टॉपर बन रहे हो, मतलब 45% अगर आप मार्क्स ला रहे हो एग्ज़ाम में तो एक अच्छी रैंक ला सकते हो। और इस एग्ज़ाम में मेंस एग्जामिनेशन आपके लिए किंग मेकर साबित होगा। तो हमेशा मेंस के ओरिएंटेशन से ही पढ़ाई करना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको इस एग्जाम में लाना होगा। और एक एक्सपर्ट एडवाइस, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको इस एग्जाम क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। मेंस के मार्क्स जो है वो किंग मेकर है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स लाइटली लोगे। अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं, तो इस कॉम्पिटिशन की वजह से ये एग्जाम बहुत ही टफ हो चुकी है। ओके, अपने आप में विश्वास रखना और बहुत ही हार्ड और एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करना, तो सक्सेस आपसे दूर जा ही नहीं सकती, इस चीज़ की मैं गारंटी लूँगा। और मैं कुछ साइट्स के नाम बताऊँगा, अन अकेडमी या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया या मृणाल, इनके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कि इन साइट्स का यूज़ करके आप किस तरह से
प्रिपरेशन कर सकते हो। आने वाले स्लाइड में हम और अच्छी वीडियो देखेंगे। YouTube, Twitter, Instagram पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा। ओके, और मतलब आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और आपका जो रिकमेंडेशन होगा कमेंट में, उसी टॉपिक के ऊपर मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।